you रहमान रहीम और जी हमारी लेडीज़ की जो सुबह सुबह होती है वो होती है किचन से अलहमद नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई थी और यहाँ पे फैजान मियाँ हमारे थोड़े से रुटे छुटे हुए थे क्योंकि ये जल्दी तो थी संडे सैटरडे की ऑफ यहाँ पे बस फैज़ान को भेजा मैंने स्कूल और यहाँ पर मैंने नाश्ता अपना किया आपसे आज अपना नाश्ता भी शेयर कर रही हूँ और आज आपकी वजह से कुछ सही बेहतर खाना खा रहा बाकी यहाँ पर दो दिन की ये मतलब दो से तीन दिन की क्लिप्स हैं जो एड हुई हुई हैं और ये धनिया पोदी जो था ना ये हरा भरा जो देखा ना अभी आपने ये फूसा हो गया इसकी रेसिपी आगे इन शेयर करूँगी आपसे मैं और जी सिलबट्टे पे कबाब आ चुके हैं पीसने के लिए और मैं हमेशा सिलबट्टे पे कबाब पीसती हूँ यहाँ पे सिलबट्टे के अलावा कभी कबाब पीसे ही नहीं मशीन में मैंने डाल के और आपको मालूम है सिलबट्टे की जो रगड़ा ये कबाबों पे बहुत ही यमी सी होती है यहाँ पे मैं बता दूँ मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि सुरा कौसर कितनी दफ़ा पढ़ना है सरा कौसर है ना एक सौ उनतीस दफ़ा पढ़नी है और सूर्य आतिया जो है मैं सात दफ़ा लाज़मी किचन में खड़े होकर पढ़ती हूँ सुर कौसर जो है मैं दस दफ़ा ग्यारह दफ़ा इस तरह से पढ़ लेती हूँ सुरह कौसर सूर्य कुरेश सूरत कदर ये सब मैं पढ़ती रहती हूँ अलहमद ला यहाँ पे खड़े होकर और दम किस तरह से करती हूँ दम से मुराद ये है कि आपने बस पढ़ते रहना है और हाथ उठा के जब आपने निकलना है किचन से तो हाथ उठा मांगनी है और अल्लाह ताला से कहना है अल्लाह हमारे किचन में फिर बरकत दे क्योंकि हम जो सारा दिन का जो मतलब हमारा शेड्यूल होता है ना काम का वो किचन पर ही आके ख़त्म होता है सारी दुनिया जो भाग रही है ना दौड़ वो दौड़ जो कर रही है ना तो वो इसी के लिए कर रही है कि हम अपने घर में खाना पकाएं खाने की आपको पता है इसके बगैर गुजारा नहीं है और यहाँ पे ना रात का टाइम हो गया था तो यहाँ पे आपको मालूम है ये घर बिकने वाला है और यहाँ पे तीन से चार पार्टियाँ आ चुकी हैं घर देखने के लिए और क्योंकि लाजमी घर बिकना है जितनी कोशिश जितनी दुआएं मांग सकती थी जितनी मिन्नतें कर सकती थी मैं जितनी भीख अपने जेटों से मैं मांग सकती थी ना उतनी भीख मैंने मांगी पर उन्होंने भीख भी नहीं दी कोई मसला नहीं है अल्लाह देने वाला है अल्लाह सबसे बेहतर करने वाला है सब बेहतर करेगा जहाँ तक होगा ना वहाँ तक मैंने वो काम किया है और आपको पता है छत भी बनवाई सब किया यहाँ पे और जी यहाँ पे पार्टी आई भी थी और मैंने यहाँ पे भाई को बोला भी है कि जो एजेंसी वाले हैं कि अगर जो ये घर ले रहे हैं अगर किराए पर देना चाहते हैं मुझे तो वो मुझे लाजमी घर ये वाला दे दें बट वो कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी बात ना करें मैं आगे देखते हुए ये बात कर लूँगा लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत बहुत अच्छी मुझे बताई हैं मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस करी हैं तो देखें उन पर मैं चलती हूँ या यहाँ पे रहती हूँ या यहाँ से कहीं और मूव होती हूँ तो इन ताला जो होगा बेहतर होगा बच्चे बहुत अपसेट हो गए थे वो तो हो गए थे अपसेट उसके बाद मतलब ऐसल भी और फैज़ान भी ना उनको सुलाने के बाद ना मैं भी थोड़ी सी हो गई थी और आपको मालूम है जिस जगह पे जड़ें गड़ी हुई हों उस जगह से दरख्त को खींच के उखाड़ा जाए ना तो बहुत तकलीफ़ होती है बाक़ी ये है कि मेरी यादें बहुत सी वाबस्था हैं इधर से घर से बाकी जो होगा बेहतर होगा आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ने सुई की मेहनत दी हुई है वो काम करती जा रही हूँ आगे अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ अब तो यूट्यूब चैनल भी इतना अच्छा हो गया है और यहाँ पे मेरा सांस फूल रहा था मैंने पानी पिया स्टॉप करके बाकी अलहमदिल्ला काम मेरा स्टार्ट है और कुछ इस तरह से मैं लेसिस लेकर आई हूँ आपसे शेयर कर रही करी अपने बाज़ार से अपनी मार्केट से ये मेरी चीज़ें यहाँ पे मैं बस सुबह का टाइम है मैं कर कटिंग करना शुरू कर दी तो आपसे सोचा क्यों ना शेयर करूँ मेरी पुरानी मैगज़ीन है जो कि बहुत ही अच्छी है और मैंने अब तक देखें संभाल के रखी हूँ मुझे चीज़ें संभालने का उनकी हिफाजत करने का ना बड़ा शौक़ है संभाल सँभल के मैं चीज़ें रखती हूँ ये और कुछ इस तरह से मैं स्टिचिंग करती हूँ कटिंग करने से पहले सारी ड्रेसिंग करती हूँ आई होप ये थोड़ी बहुत मैंने आपसे जो शेयर की है क्योंकि सब माशाल्लाह लेडीज़ जो भी जितनी भी आज तक मुझसे जिस जिनका भी वास्ता पड़ा है वो ये कहती हैं हमें स्टिचिंग आती है तो कोशिश करूँगी कि मैं पूरी प्रॉपर तरीके से ना मतलब सिखाऊँ और जी बस ऐसे कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे प्रेस का इस्तेमाल हमारा ज़्यादा होता है स्टिचिंग का आपको मालूम है टेलर के साथ जो काम किया जाता है ना वो हाँ सारा स्टिचिंग के उसके प्रेसिंग के बगैर बिल्कुल भी नहीं होता है और बस टूटी फूटी सी यार मुझे बस आती है गुजारे लायक अलहमदिल्ला और अपने हुनर हाथों में दे दिया है शुक्र है रब कायनात का बाकी ये है कि ये लाइनिंग वाले सूट हैं जो मैं बना रही हूँ आपसे चार सूट हैं लाइनिंग वाले सूट हैं वो इनशाला आपसे आगे शेयर करूँगी कब से शेयर कर चुकी होती है? लेकिन आप यकीन माने लाइटों ने इतना कोई तबाही मचाई हुई है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है और बस यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि अपनी बहन की एफर्ट देख लें और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और जो अर्निंग के लिए मैंने आपको बताया है ना वो आप यकीन माने चार से पांच चीज़ें हैं जो अगर हम ये करना स्टार्ट कर देना तो हमारे घर के हालात ना बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगे और मैं तो उन लेडीज़ को देखती हूँ उन छोटी छोटी बच्चियों को देखती हूँ या जो अपनी इन महंगाई के दौर में ना अपने बाप का बाजू बन के खड़ी हुई हैं जो बहनें शादी के बाद भी अपने बच्चों के के लिए अपने हस्बैंड के लिए स्ट्रगल करती हैं बाहर निकलती हैं यार उनको सलूट है यार बिल्कुल मैं तो समझ लो मेरे तो मुझ पर बहुत कर्म किया हुआ जो बेचारी टीचर्स हैं जो स्कूल्स पढ़ाती हैं सुबह से गई हुई होती हैं शाम तक आती हैं फिर ट्यूशन देती हैं फिर बच्चियां हैं अपने भाई का अपने बाप का बाजू बनी हुई है वो तो हम किसी से भी काम नहीं है इतने अच्छे अच्छे हमारे पास हुनर हैं दिए हुए अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो मैं स्टिचिंग बोलूँगी उसके बाद पॉलर का काम बोलूँगी फिर मेहंदी है फिर आपको पता है घर बैठे आजकल इतना कोई अर्निंग का काम ये स्टार्ट हुआ हुआ है ऑनलाइन अर्निंग मोबाइल का फिर दूसरा हमारे हाथों में कुकिंग का है कुकिंग भी हमारे हाथों में कि हम घर घर मतलब किस तरह से सप्लाई कर सकती हैं कितनी आप देखें कितना कुछ हो रहा है रोने धोने से बेहतर है इंसान काम करे मेहनत करे अल्लाह भी उसका साथ देता है

जी कुछ डायलॉग खजस्ता के ओके okay. आपकी खजस्ता फेवरेट है बिल्कुल मेरी रीजल फेवरेट है okay. आपको पता है मार ये मेरी सबसे कीमती फाइल है ये जब हमारा क्लास हो रहा था ना कल हमने टीचर को पूरा लेक्चर पढ़ के बताया टीचर हमसे इतना खुश इतना खुश के अब तो ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है अब हम इसी का ही पढ़ता रहेगा और सुनाता रहेगा ठीक है मार अब मुझे पढ़ने जाना है आज अपने चैनल के लिए कुछ नहीं बोलेंगी खज़िस्ता। हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेगा हमारे लिए लाजमी, सबसे लाजमी, लाजमी, और सपोर्ट हमारे लिए लाजमी लिख देना हम यहाँ पे नहीं ऐसी कर देना ठीक है ओके अल्लाह हाफिज बाय बाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब होप करती हूँ सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से और अभी जो आपने सारा व्लॉग देखा है जी बिल्कुल ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कोशिश करी है अपना व्लॉग अच्छा करने के लिए बाकी ये कि लाइफ है ज़िंदगी है चलनी है हर सूरत में चलनी है और घर ने भी बिकना है लाजमी बिकना है घर ने क्योंकि जितनी दुआएं मांग सकती थी मैंने मांगी जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने वो कोशिशें करी हैं बट अल्लाह को जो बेहतरी मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए होगी ना वो वाला तला इससे बेहतर अल्लाह ने मेरे रब ने सोची हुई है और स्टिचिंग आई होप मैंने आपको बताई अपने आपको समझ में आई हो बाकी मुझे टूटी फूटी यार ऐसी आती है बस कर लेती हूँ मैं गुजारा कर लीजिएगा आप लोग ना और बाकी मुझसे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं प्रोफेशनल अर्निंग का मैंने बताया है देखिए घर में बैठ है ना बहुत सारे काम हो सकते हैं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सबसे पहले तो हमारी यही स्टिचिंग है हमारी बहनों के लिए सेकंड नंबर पे आती है पॉलर पॉलर से भी आप कमा सकते हो इज्जत से कमा सकते हो स्टिचिंग भी कर सकते हो मेहंदी आती है फिर मेहंदी का भी काम बहुत बहुत अच्छा है मेरी नज़रों में ऐसी माशाल्लाह बच्चियाँ निकली हैं ऐसी बच्चियाँ नजरों में मौजूद है मेरी जो इतनी अच्छी अच्छी मेहंदियाँ लगाती हैं सेकंड फी होम घर घर जा सर्विसेज भी देती हैं वो बहनें भी और जो अपने घर को चला रही हैं वुमेन पावर आप दिखाएं यूट्यूब पे आने का मतलब है आप अपना हुनर दिखाएं आप अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी स्टोरी मैं बिल्कुल उस मैं उस लेवल पे जाके स्टोरी अपनी शेयर नहीं कर रही हूँ जहाँ एक औरत है ना कमज़ोर दिखाए अपने आप को और मैं एज ऐजा वुमेन पावर बता रही हूँ कि किस तरह से एक औरत है ना पावरफुल है और अल्लाह ने उसको ताकतवर बनाया है और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं आप यकीन मानो कि मैं उनको चैनल पर कितनी पावरफुल वुमेन्स वो दिखा रहे हैं स्ट्रांग वुमेन दिखा रहे हैं और तनवीर भाई के चैनल पर देखें आप कितनी बहादुर खातूने हैं जो बाहर बैठ कर काम कर रही हैं फिर अपना घर का किचन है किचन से आप काम कर सकते हो आप कितनी अर्निंग कर सकते हो यार आप सिर्फ करो करने की देर है हमारे करने की देर है और हर काम हो जाता है ये नहीं और प्लेटफॉर्म हमारा इतना अच्छा कोई यूट्यूब ने हमें दिया हुआ है इस पर अपना हुनर हम दिखाएं ट्यूशन है ट्यूशन पढ़ाएं बच्चियां ट्यूशन पढ़ाती हैं हम तो उम्र में बच्चियां निकल गई अपने घरों से इस महंगाई के दौर में कि महंगाई इतनी इतनी कोई हो गई है कि वो बेचारी निकल के काम कर रही हैं। तो अपना हुनर लेकर आएं आप सामने और आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो यार मेरा है और अल्लाह ने औरत को बनाया है इस काबिल कि वो हर चीज कर सकती है और आपकी बहन भी आपके सामने मौजूद है बाकी उजमा भाभी हैं आप देख लें घर में कितनी खातून बैठी हुई है यूट्यूबर जो इतनी अच्छी हैं हमारी जो अपना हुनर लेकर सामने आई हैं मरियम परवेज़ को देख लें आप आप आलिया मुब्र को देख लें का, कायनात को देख लें फातमा को देख लें जो मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ जिनको मैंने बात की हुई है जिनसे इतनी अच्छी अच्छी खातून हैं जो जो अपने घर में काम कर रही हैं अपना शौक़ भी पूरा कर रही हैं अर्निंग भी कर रही हैं और और उन्हें देख के ना दिमाग को सुकून मिलता है यार हाँ हमने ना ये करना है अब मैं आऊँ और रोना धोना शुरू कर दूँ मेरे पास बहुत बड़े टॉपिक पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक पड़े हुए हैं जिस जिसपे मैं आकर है ना मोटे मोटे आंसू बहा सकती हूँ आंसू बहाने हैं हमने लेकिन अल्लाह के सामने बहाने हैं ना कि दूसरे को डिप्रेशन में डालना है ऊपर से इतना वैसे ही हमारे पास गम भरे पड़े हमारी ज़िंदगी में और मज़ीद यहाँ पे आके मैं दिखाऊँ दुनिया में ऊंच नीच है ये सदा रहेगी ये अभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं ये सदा रहेगी क़यामत तक रहेगी और इसमें कभी ख़त्म नहीं होना है हमने क्या करना है हमने अपने रब का फरमान मानना है कि हमारे रब ने कहा है जिस हाल में मैं तुम्हें रखूँ उसका शुक्र अदा करो और ठोकर लगती है तो सबक सीखो हमें ठोकर लग रही है हम सबक सीखेंगे हम उस ठोकर को बार बार ठोकर खा खा कर वहीं खड़े नहीं रहेंगे हमने सबक सीखना आगे बढ़ना है तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो आप पसंद आया हो तो अपनी बहन के लिए फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और बाकी यार मुझे बस इसी तरह से व्लॉग बनाना आता है पता नहीं अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है आपके कमेंट्स का बेहद बेहद शुक्रिया बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियोज़ को व्लॉग्स को पसंद करते हैं ज़िंदगी रही तो कल इनशाला ज़रूर तो आपको हमारे तक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा ख़्ज्त कैसी लगी तो वो बताइएगा आप हमें लाजमी और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा आप इतनी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं करते हैं हमारे लिए फैजान साहब गए हैं हमारे स्कूल माशाल्लाह से आपकी दुआओं से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ला कुरान मेरा बेटा बन रहा है बेटी को मैंने आलमा बनाना है और बाकी जो मेरे रब को बेहतर होगा वो होगा सब कुछ आ, तो अभी के लिए कहेंगे हम लाफि और आप मुझे बताइएगा आपको कटिंग कैसी लगी मोरे ने की है bye bye love is